और शायद अखिलेश जी को भी देर हुई, पर अंधेर नहीं, पर अंत में जागरूकता उनमें भी पैदा हो गई कि कांग्रेस की असली चेहरा क्या है। अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर शुरू हुई सियासी लड़ाई का फायदा अगर कोई दल सबसे ज्यादा उठा रहा है तो वो है बीजेपी। सीट शेयरिंग को लेकर लड़ाई इतनी आगे चली गई है कि मामला हैसियत चिरकुट और इंडिया गठबंधन के टूटने तक पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको लेकर लगातार विपक्षी गठबंधन पर चुटकी लेते नजर आते हैं। वहीं इस पूरे विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ अखिलेश यादव को मिल गया है। सिंधिया से जब जाति जनगणना को लेकर सवाल किया गया तो सिंधिया कांग्रेस पर जमकर बरसे, साथ ही अखिलेश और सपा का साथ भी दे गए। सिंधिया ने कहा कि देर हुई लेकिन अखिलेश को समझ आ गया है कि कांग्रेस का असली चेहरा क्या है। पिछले 4 महीने से कह रहे हैं, जिस कांग्रेस पार्टी ने सदैव जातिगत मतगणना का विरोध किया है, चाहे मंडल कमीशन के समय में, चाहे जब उसके पूर्ण रूप से क्रियान्वयन किया था वीपी सिंह जी के समय में, पूर्ण रूप से कांग्रेस ने विरोध किया, पिछड़े वर्ग का सदैव विरोध किया है। मध्य प्रदेश में कभी भी पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री नहीं होने दिया। आज वो कांग्रेस पिछड़े वर्गों की बात कर रही है। जिस कांग्रेस ने सदैव पिछड़े वर्गों का शोषण किया है, आज वो कांग्रेस पिछड़े वर्गों की बात कर रही है। जिस कांग्रेस ने सदैव दलित समाज का शोषण किया है, बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराया, जिसने बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराया उनको उसे पद्मश्री से शोभान्वित किया, वो कांग्रेस पार्टी दलितों की बात करेगी? अपना गिरेबान में झांके दूसरों पर टिप्पणी करने के पहले। और शायद अखिलेश जी को भी देर हुई, पर अंधेर नहीं, पर अंत में जागरूकता उनमें भी पैदा हो गई कि कांग्रेस की असली चेहरा क्या है। और जो अहंकार कांग्रेस में है, जो दूसरे नेताओं के बारे में ऐसी बात करती है, अब समय आ चुका है। 17 नवंबर में मध्य प्रदेश की जनता भी कांग्रेस को सबक सिखाएगी। जो भ्रष्टाचार किया है इन्होंने, जो वादा खिलाफी किया है मध्य प्रदेश में, पूर्ण रूप से उसका दंड मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को देगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा इंडिया गठबंधन के तहत एक भी सीट नहीं दिए जाने से नाराज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में बेहद तल्ख रुख अपनाया था। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस पर विश्वासघात का आरोप लगाया और सवाल किया कि अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा व्यवहार करेगी तो उस पर कौन भरोसा करेगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।